5:45 शाम का कितना है? 5:30 5:30 कितना है? 5:30 कितना है? 5:30 आप लोगों को कितने टाइम पे आना है यहाँ पर? 5:25 5:25 कब आना है? 5:25 सुबह कब आना है? 5:45 5:45 पे यहाँ पर बाहर समझ में आया? यस सर। अपनी डाइट के बारे में बताया, डाइट खाओ वहाँ पे, अपने चेस्ट के बारे में बोला है, आपके बीम के बारे में बताया हुआ है, जो जो आइटम आपको बताया हुआ है, जो सारी चीजें बताई हुई है वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो, रिजल्ट आपके हाथ में दोस्त। और यदि आपका फिजिकल आगे है, किसी का भी अगस्त के अंदर है, सितंबर के अंदर है, अभी बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से दोस्त, बाद में 2 साल बाद यहाँ पर या 5 महीने बाद या 4 महीने बाद रो के कॉल मत करो वहाँ पर कि सर अब क्या करूँ, अब तो यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आया, अब क्या करूँ, रोते रहते हो, सिर घुसाते रहते हो वहाँ पर। अभी से पढ़ने लग जाओ लोग। आपके यदि आप बिहार के हो तो बिहार पुलिस का वहाँ पर फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म डालो। आपको लगता है कि मुझे कोई भी CAPF सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस BSF ITBP CISF कोई भी किसी भी प्रकार की मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना है, वर्दी चाहिए, तो उसके लिए आज से प्रिपरेशन करो, अपना हिंदी पढ़ो, GK पढ़ो, मैथ्स पढ़ो और जितनी भी सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल जो चीज़ें होती हैं आपके पास इंटरनेट पर पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर पूरा पड़ा हुआ है, अपनी किताब मंगाओ, किताब से पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे आप फिजिकल वाले हो चाहे कोई भी हो। तुम कलेक्टर नहीं बन गए दोस्त, वो जो कलेक्टर बन जाता है, जो प्री निकालता है, मेंस निकालता है, इंटरव्यू देता है, उसके बाद भी उसका नंबर नहीं आता है, सिर्फ 700 लोगों का ही नंबर आता है। तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे साथ में कुछ वहाँ पर जितने लोग होंगे, जितनी कीमत होगी वहाँ पर 300 लोग सेलेक्ट होंगे, हो सकता है तुम 300 में ना आ पाओ, तो अपनी तैयारी करो। और आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा चीज़ें चुनी होगी, पर भगवान बोलेगा यार पहले ये काम करेगा तब दूंगा मैं रिजल्ट। फॉर्चून ऑलवेज फेवर द ब्रेव, जो है किस्मत हमेशा बहादुर लोगों का साथ देती है, ना कि जहाँ पर गिलबिले लोगों का, जो होते हैं केचुए लोग जो ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, केचुए के होते हैं 2 मुंह, क्या होते हैं? एक तो गिलबिला होता है, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, और उसके होते हैं 2 मुंह, इधर उधर चलता रहता है। इंसान का स्वभाव है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था बुक का, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक पुस्तक है डेल कार्नेगी का, उसके पहले पेज में ही लिखा हुआ है कि इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानता, कभी एक चोर खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा मैंने चोरी की। CCTV में खूब दिखाई दे रहा है कि वो चोरी भी कर रहा है और वो मार भी रहा है सिर के ऊपर पकड़ के उस बंदे को जिसका चोरी कर रहा है, वो फिर भी बोलेगा ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। एक कभी कोई इंसान इस दुनिया के अंदर, जो कितना भी क्रूर इंसान हो, मैं बाद में कहानी बताऊंगा, बट वो इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। इस प्रकार से आप भी गलती जब ठेलागाड़ी धकाओगे तब भी अपनी गलती नहीं मानोगे, यार मेरी किस्मत में यही था यार, नहीं दोस्त, जब तुमने मेहनत करनी चाहिए थी, जब तुम करना चाहता, तुम यहाँ पर कट मार के तुम यहाँ पर सोया था, खटिया के नीचे सो रहा था, जब तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे लिए पैसे कर रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे, तुम्हारे लिए पूरा दिल जान लगा रहे थे, आज तुम्हारे पापा को बोलो यार तुमने रिटर्न निकाल दिया, कितना भी लगेगा बेटा अपन करेंगे, यही वर्ड बोला होगा तुम्हारे पिताजी ने, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बोला होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। वहाँ पर किसी का भी पिताजी, यहाँ पर इतने सारे लड़के बैठे हैं और भी लड़के हैं, लोग हैं खटिया के नीचे बैठे हुए हैं अभी 12 लोग, ठीक है, वो सारे के सारे लोग एक ही वर्ड बोला होगा आपके पिताजी ने, मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिताजी की बात कर रहा हूँ कि बेटा जितना भी लगेगा लगा देंगे, तू पास हो गया इसमें, तेरा आगे के तो तेरे को जो लग रहा है वो वहाँ पे करना। आपकी मम्मी से, अभी आप यहाँ आ चुके हो, आपकी मम्मी से रोज पूछते होंगे, उसको लग तो नहीं रहा कुछ खाने के लिए, दे देना उसको जहाँ से भी होगा, जो भी सेविंग्स हो रही होगी सेविंग्स से निकाल के तुमको देने के लिए तैयारी हो रही होगी वहाँ पर रोज डेली में। और यहाँ आए हो, अपने फ़ोन का एक नियम बनाओ, घर वालों को बोलो कि इस कॉल पे करो मेरे को, और तुम रात को उठ के, रात को वहाँ पे इसमें यहाँ से छोड़ने के बाद तुम मूवी देख रहे हो तुम लोग, हाँ रील्स देखते हो तुम लोग, और बोलते मेरे पास हेडफोन नहीं है ऐसे देखूंगा मैं, गांव के दादा हो तुम लोग सभी के सभी, सो जाओ, उठते नहीं सुबह, फिर वहाँ पर एक अच्छा, तभी आप यहाँ पे PT करोगे जब अपने मोबाइल को थोड़ा शांति रख दो, साइड में रख दो वहाँ पर। आप मेरे, मैं वही वाइफ को लेके आऊँगा, उससे पूछवाऊँगा यहाँ पर, उससे बात नहीं किया दोस्त मैंने, SEC एग्जामिनेशन दे रहा था वहाँ पर, और SEC के अंदर SSB की तैयारी कर रहा था, कि मैं, मुझे पता था कि मेरा मैथ्स ठीक है, ऐसे ही क्रैक कर जाऊँगा एग्जाम, तो इतना कॉन्फिडेंस था, चाहे उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते, क्योंकि भैया तैयारी की है तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या, मेरे तो सब कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे को, जिस भी प्रकार का इस देश में, इस वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस होता है उसके आगे जो भी वर्ड लगाना है लगा लो, कि भाई तैयारी की है तो है, गट्स के साथ बोल रहा हूँ भाई, मेहनत की है तो है, ठीक है, तो ऐसी मेहनत करो कि तुमको भी विश्वास हो थोड़ा सा अंदर से वहाँ पर। जब मैं अपने सेकंड करियर के लिए, ये मेरा सेकंड करियर है, जब मैं मेरे फर्स्ट करियर के लिए रात को, मतलब
सेकंड करियर के लिए, जब फर्स्ट करियर वाला बताता हूँ कि फर्स्ट करियर के लिए जब मैंने सारी चीजें छोड़ दी और उसके लिए दो साल खूब मेहनत किया मैंने, और सेकंड करियर जब आया यहाँ पर तो रात को 1 बजे भी यहाँ पर खड़ा हूँ, 1:15 बजे भी था, 1:30 बजे भी था, और दोबारा यहाँ पर पीटी में आके खड़ा हो गया। तो इसका मतलब यदि सेकंड करियर के लिए मैं इतना सीरियस हूँ तो आप लोगों को अपने फर्स्ट करियर के लिए कितना होना पड़ेगा। पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए और ये मत भरोसे में रहिए कि मेरा सब कुछ चीजें, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। और मजबूत तभी रहोगे जब आपके पास में ज्ञान रहेगा। इस दुनिया में वही इंसान तगड़ा है जिसके पास में कहीं ना कहीं ज्ञान रहा है, बाकी तुम पहले जाओगे दोस्त, समझा रहे। बाकी तुम लोग, यदि तुम्हारे पास में नॉलेज नहीं है